you to come here. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए. एंड ले लिया क्या, हो गया फोटो? सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर कमिंग हियर. एंड एज यू नो इन इन वेरी वेरी सून वजीर विल बी आउट ऑन दिस फ्राइडे. सो वी आर हियर. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सीन अ लॉट ऑफ film. Some of you have actually seen 15-20 minutes of the film. Whoever came to our office, we just said come and see the film, which is unusual. ज़्यादातर लोग जो फिल्में बनाते हैं वो दिखाते नहीं हैं. And also a lot of you have seen a lot of material that's on television. So we are here to answer any questions, to let you know more and more about Wazir, whatever you wish to know. It's taken us a lot of time to make this film. 4-5 साल लिखने को लगे, फिर हिंदी में 2 साल और लगे लिखने को. तो आई विल नाउ फर्स्ट रिक्वेस्ट अमित जी टू स्पीक टू यू गाइज एंड गिव अस हिज व्यू पॉइंट. सभी चैलेंजिंग है हमारे लिए. सबसे एक होता है सबसे तुरंत जहन में जो आता अंतर है, नहीं कर सकता मैं इस फिल्म को लेकर अगर बात करें तो सर, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल अलग ही इस तरीके का शायद पहले हम लोगों ने देखा नहीं. जब कलाकार हमारी उम्र तक पहुंचता है तो इसी तरह के रोल मिलते हैं. अब इनकी तरह तो मिलेगा नहीं, तो जो मिलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं. एक बात इन्होंने कही नहीं जो मैं कहना चाहूंगा, कि ये फिल्म में इनकी लेग्स नहीं है, तो इन्होंने सारी फिल्म में वो बिल्कुल हिलने नहीं दिया लेग्स को. बहुत तकलीफ से गुजरे हैं ये, इसके लिए आपका जो सवाल था वो इनको थोड़ा लगा कि, मगर बहुत मुश्किल से ये गुजरे टू एक्चुअली परफॉर्म. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म अ पर्सन हु हैज नो लेग्स, और आपकी हैं लेग्स और आप प्रिटेंड कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं कि है नहीं. एंड व्हेन यू विल सी द फिल्म यू विल सी व्हाट एन इनक्रेडिबल जॉब ही हैज डन. थैंक यू अगेन सर. जैसा कि विनोद ने भी कहा, मेरा किरदार है एक कश्मीरी पंडित जो कि दिल्ली में रह रहा है. उनका नाम है ओमकारनाथ धर, और किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, एक दुर्घटना की वजह से उनकी टांगें कट जाती हैं. और इनकी मुलाकात होती है, या कहा जाए कि ये दो ऐसे शख्स हैं इस फिल्म में जिनकी जो परिस्थितियां वो एक जैसी हैं, और किस तरह ये दोनों शख्स मिलते हैं. लेकिन जो वो समाधान ढूंढ रहे हैं और जो मैं समाधान ढूंढ रहा हूँ वो एक है, और किस तरह ये दोनों मिल करके उस चरम सीमा तक पहुँचते हैं, ये कहानी है हमारी. ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ है, मगर अब एक ऐसा वक्त है जो शायद लोग कम फिल्में करते हैं एक साथ, तो आपको ज़्यादा वक्त मिलता है कि आप अपना होलिया बदल सकें. तो अच्छी बात है अगर आप अपने आप को और भी, जैसे कहते हैं, झोंक दें अपने कैरेक्टर में, तो इट्स अ गुड थिंग. तो सर ये चेंजेस पर्सनल लाइफ में भी आती हैं, जैसे आप एक कॉप का रोल कर रहे हैं या डॉक्टर का रोल कर रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ में भी आप डॉक्टर या कॉप हो जाते हैं? नहीं. तो सर नहीं. तो सर कैरेक्टर, अगर कोई इमरजेंसी है तो मैं किसी का फोन नंबर दे दूंगा जो जानता है क्या करना है, कहाँ जाना है. मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा, डोंट वरी, सब मुझ पे छोड़ दो. इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है. थिंक दैट देयर मे बी क्वेश्चंस लेटर ऑन रिगार्डिंग यू नो हाउ कैन समबडी हु डजंट हैव लेग्स ड्राइव अ कार. बट आई हैव टू से दैट वो जो आपने 2 महिलाओं की बात की थी देवी जी, वो पहली महिला ने जो कहा था कि ये बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है, बारीकी को देखते हैं, बहुत ध्यान दिया इन्होंने, और ऐसी गाड़ी बनाई जो कि एक ऐसा शख्स जिसके पांव ना हो वो चला सके. तो ब्रेक जो है वो हाथ में, स्टीयरिंग व्हील दूसरे हाथ में, एक्सेलरेटर के लिए एक अलग यंत्र था वहाँ पर. तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बिना उन चीज़, और मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करता था. मैं जो गाड़ी चलाता था फिल्म में, वो उन सारे जितने भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत सोच समझ करके इन्होंने ये गाड़ी बनवाई. और व्हीलचेयर के बारे में तो हम बता ही चुके हैं आपको पहले, 30-40 इन्होंने लगा दिए थे मेरे घर में, और कहा कि 3 महीने से आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए चलने फिरने का. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो गाड़ी जो है ये आपको शायद आश्चर्य करेगी कि कैसे ये गाड़ी चलाता है, लेकिन वो गाड़ी बनाई गई थी ख़ास इसी तरह. और उसका जो गाड़ी का जो पिछवाड़ा है वो किस तरह नीचे आता है ज़मीन पर, कैसे व्हीलचेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है, फिर उसको एक बटन दबाता है तो वो गाड़ी ऊपर जाती है, फिर वहाँ से वो
उसका जो समतल है वो एक हो जाता है, उसके बाद वो व्हीलचेयर अपने आप अंदर घुस जाती है, सीट तक पहुंच जाती है, इस तरह करके।